So hey guys, welcome back to the new video. तो अभी है सुबह के 6 बजे, धूप देख सकती हो बहुत ही अच्छे से। आज दिन सुहाना लग रहा है। यहाँ पर रबर भी धूप में सूखने के लिए रख दिया है। तो मौसम देख सकते हो आज बहुत ही साफ है, धूप भी अच्छे से आ रही है। तो फिलहाल अभी त्रिपुरा में थोड़ा थोड़ा ठंड चालू हो चुका है, इसलिए आज जैकेट वगैरह निकाल के धोना है और धूप में रखना है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। 1 hour later धो के अभी धूप में सूखने के लिए रख दिया है। ये आज तो नहीं सूखेगा, कल तक ये सूख जाएगा। नया खरीदने के लिए ये नहीं है ये, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। हमें पिछले साल खरीदा था इसको, तो इस बार भी इसी से गुजारा करेंगे। तो बस यही है गाइस, आप लोगों को मैं अभी एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है लोकल बीन्स, ये सभी बीन्स है। और यहाँ पर मधुमक्खी भी आ रही है, देख सकते हो मधुमक्खी बहुत सारी है यहाँ पर। ये है इसका बीन्स, ये सिर्फ पहाड़ों में मिलता है, ये पहाड़ी बीन्स है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये खाने में, और बहुत सारी है। ये हमने घर पर लगाया हुआ है, शायद ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता होगा और दूसरी जगह ये देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक तोड़कर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भी, ये देखिए सूता सूता, ये भी ठीक से मैच्योर नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी का प्लान कुछ ऐसा है, अभी हम दोनों, मेरा दोस्त यहाँ पर, हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में। सो गाइस, अभी हम तो पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं। गाइस, अभी जो सामने पहाड़ आने वाली वो बहुत ही ऊँचा है और बहुत ही लंबा चढ़ाई है। तो आप लोग देखते रहे मेरे वीडियो को, अभी और भी मज़ा आने वाली है। आप लोग दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दो पहाड़ों में, और आप सब देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ही सुंदर का नज़ारा, पूरा नेचर, फुल्ली लोडेड नेचर। तो दोस्तों, ये है एक पहाड़ी खेत यानी कि झूम कल्टीवेशन। यह पहले धान लगाया हुआ था, तो अभी धान वगैरह हार्वेस्ट हो चुका है, हार्वेस्टिंग करके ले गया जो मालिक है यहाँ का। और अभी यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हो बहुत सारा तिल की पेड़, अभी सब्जी वगैरह यहाँ पर बहुत सारा है। तो अभी हम उस साइड चलते हैं। यहाँ पर है मेरा दोस्त कालानाथ, फुल्ली ब्लैक,
सनग्लास भी ब्लैक, शर्ट भी ब्लैक, और चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। देख सकते हो गाइस, बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़ और बहुत ही सुंदर नज़ारा। वो दूर देख सकते हो एक घर, साइड वहाँ पर लोग रहता होगा। और देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा व्यू। वाओ, क्या ही कहे इस नज़ारे के बारे में। ऐसे ऐसे जगह पर आओ, बहुत ही प्योर जगह है। यहाँ पर बहुत ही ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और यहाँ पर पोल्यूशन, एक बूंद भी पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर। वाओ वाओ वाओ, गाइस ये जो केले देख रहे हो, ये जो केले, ये सारे जंगली केले है। वहाँ पर बहुत सारा जंगली केला है, कोई बाहर से आएगा तो ये समझेगा ये केले का बगान है। ऐसा नहीं है, ये जंगली केला है, देख सकते हो। वाह, इस तरह बहुत सारा है, और उस साइड जाएगा तो और भी सारा देखने को मिलेगा। और ये जो देख रहे हो, ये जो हम लोग घर में झाड़ू मारते हैं उसका पेड़ है। ये सूख के ऐसा हो गया, इसका सीजन आएगा तो ये सारा आपको फिर काट के धूप में सुखा के उसका झाड़ू बनाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। वाओ गाइस, क्या ही नज़ारा है, क्या ही बोले आप सबको। आप सब देख सकते हो कितना खूबसूरत सी जगह। ये त्रिपुरा में ही है गाइस, आओ आप लोग भी कभी त्रिपुरा में घूमने के लिए। देख सकते हो क्या ही नज़ारा है। यहाँ पर आने के लिए आप लोग को कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगा, आप लोग को पर्सनल गाड़ी या बाइक लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता तो अभी बना है, ये इतना ख़राब नहीं है, पर यहाँ पर गाड़ी वगैरह आता नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे देख सकते हो बहुत सुंदर नज़ारा आया, ऐसे जगहों में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है।